जैसा कि हम डिस्कस करते हैं ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जेंडर जेंडर का मतलब होता है बेसिकली लिंग अब हमें लिंग कई तरह के देखने को मिलते हैं जैसे फीमेल हो गया मेल हो गया तीसरा वर्ड एक और हमने इसमें इन्वेंट इस तरीके से ऐड करा है कि कई जगह पर हमें सेक्स लिखा हुआ दिखता है किसी जगह पर हमें मेल और फीमेल दिखा हुआ मिलता है तो वाट इज़ द कन्फ्यूजन बिटवीन सेक्स फेल और मीम, फीमेल और मेल तो तीन तरह के वर्ड इनमें कन्फ्यूज़न क्या रहती है किस जगह पर ये क्यों यूज़ होते हैं और इस जगह पर क्यों यूज़ नहीं होते तो डिफ्रेंसीसन भी हमें पता होता है और बेसिकली चार तरह के जेंडर होते हैं जिसमें एक मैस्कुलिन जेंडर होता है फेमाइन जेंडर होता है कॉमन जेंडर होता है और एक न्यूट्रल जेंडर होता है तो बेसिकली किस जेंडर के अंदर किन चीज़ों को रखा जाता है किस चीज़ को रखा जाता है किन चीज़ों को हम रिलेट करते हैं और आने वाले सेशंस में इस डिफ्रेंसीशन को आपको क्लियर करना ही होगा क्योंकि हमें किसी भी आर्टिकल का सेंस समझने के लिए उसका डिफ्रेंसियशन पता होना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले हमने चार तरह के जेंडर मेंशन कर रखे हैं ऑलरेडी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एक जेंडर को जो जो कि हमारा मैस्कुलिन जेंडर है बेसिकली ये फुलिंग जेंडर को डिनोट करता है जैसे हम सबसे पहले वर्ड यहां लिखते हैं बॉय इज इक्वल टू मैन अब हम यहाँ मैन को भी मेंशन कर सकते हैं जब यही बात है तीसरा हम इसको मेंशन कर सकते हैं एज ए किंग के रूप में uh, दूसरा हमने मैस्कुलिन जेंडर में सिर्फ पुरलिंग को डिनोट करा है आगे आने वाले कई सेशंस में इन सारी चीज़ों को रिलेट को रिलेट करा जाएगा एक दूसरे से रिलेट किया जाएगा ताकि आपकी रिदम जो है प्रैक्टिस चलती रहे इसी में अब हम फेमैन जेंडर में सबसे पहले अगर हमने यहाँ वाई लिखा था तो यहाँ गर्ल लिख लेते हैं गर्ल यहाँ मैन लिखा तो यहाँ वुमेन लिख लेते हैं किंग लिखा तो यहाँ हम क्यों लिख लेते हैं बेसिकली आप नोट कर पा रहे होंगे किन चीज़ों को ये सीधे सीधे अपोजिशन में आपके चल रहे हैं तो अपोजिट होने से आपको ये भी पता चल रहा है कि मेल से फीमेल किस तरह के बनाए जाते हैं और फीमेल से मेल किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं वो एक अलग चीज़ है कि अगर हम कुछ वर्ड ऐसे स्पेसिफ़िक होते हैं इन्हें हम कुछ सर्फिक्स और प्रीफिक्स लगा ही डिस्कस कर पाते हैं अब कॉमन जेंडर में हम उन चीज़ों को रख सकते हैं जिस जो कि दोनों का सेंस रखते हैं लाइक like, मैं यहाँ बात करता हूँ किसी टीचर की टीचर की स्टूडेंट की या फिर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं या डॉक्टर की बात कर लेते हैं या फिर किसी आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं ये बेसिकली सभी एक अपना पर्याप्त सेंस रखे हुए हैं लेकिन एक कंडीशन है कि ये फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं इनकी कोई मेल का Uh, हमें फिक्स uh, फिक्स करने का कोई तरीका अभी पता नहीं है लेकिन ये चीज़ें पता है कि ये दोनों सेंस में हो सकते हैं यदि आप कहें ये मेल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ नहीं ये फीमेल भी हो सकता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ हमेशा बनी रहती है तो इन ऐसी पॉसिबल न्यूट्रल जेंडर में उन चीज़ों को रखा जाता है जैसे बेबी चाइल्ड और भी जैसे हमने नाउन में पढ़ा था कुछ मटेरियल मटेरियल नाउन होते हैं कुछ अब्सट्रैक्ट नाउन तो इन नाउन में से दोनों में से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मटेरियल का होगा मिल्क गोल्ड हो गया अबस्ट्रैक्ट का आपका हो गया लव हो गया हेट हो गया और तीसरी चीज़ इसमें होनेस्ट भी लिख सकते हैं तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि बेसिकली न्यूट्रल जेंडर में हम ऐड नाउन की कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं जो बेसिकली अपना एक सेंस रखती हैं ना तो वो कॉमन में जाती हैं और ना फिर वो फेमाइन में जाती हैं मैस्कुलिन में जाती हैं तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि जेंडर डिफाइन करना कितना ज़रूरी है और जेंडर को डिफ़ाइन करने से हमें बेसिकली जो अंडरस्टूड करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है एक तरह से अब कुछ हम सरफिक्स और प्रिफिक्स लगाकर भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे हमें गॉड को गॉड अभी आपको लग रहा है कि ये मेल है लेकिन इसे हम फीमेल में डिनोट करने के लिए कुछ सरफिक्स और प्रीफिक्स का ऐड करते हैं जैसे गॉड को लिखने के बाद हम ई डबल एस जोड़ देते हैं तो गॉड डेस हम यहाँ लिख देते हैं तो इसका ये फीमेल वर्जन बन गया और और भी चीज़ें कई हैं जैसे हम गॉड का बनाएं, तो इससे हम इसका फीमेल कैसे बनाएंगे सी गॉड तो इस तरीके से हम जेंडर को चेंज कर सकते हैं और इतना जटिल काम भी नहीं है बेसिकली जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं फेमाइन और मैस्कुलिन जेंडर को एक साथ न रख के कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे बुकेब के सेशन में जिसमें हम सेंटेंस लेते हैं बेसिकली वहाँ अल्टरनेटिव डेज में हमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच की चीज़ें भी दिखती हैं कुछ वर्ब्स भी दिखती हैं जैसे वर्ब में हम कई बार देख चुके हैं कि वर्ब्स के तीन एक्शन होते हैं ब व ऑफ एक्शन ब व ऑफ स्टेट बींग और ऑफ पजेशन तो इस तरह की डिस्कशन हम डेली बुक एप सेसन में भी कर रहे हैं सेपरेट वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को बार बार लिखें और अपने एग्जाम्पल्स को को रिलेट करें अपने दैनिक जीवन में इससे क्या है आपकी जो ग्रामर का सेशन वो स्ट्रॉन्ग होगा साथ ही साथ हम कुछ दिनों के बाद जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी लगभग एक मंथ में अति हमारे जो तीन वर्ड हमने पहले डिस्कस किए थे और उन वर्डों को डिस्कस करने की बारी है तो पहला वर्ड हमारा जिसका था सेक्स इस वर्ड को बेसिकली हम बायोलॉजी के टर्म्स में यूज़ करते हैं लेकिन ये वर्ड सेल्फ में दो मीनिंग और रखता है एक तो फीमेल और दूसरा मेल इस वर्ड के अंतर्गत ही ये दो मीनिंग्स आते हैं इसको बेसिकली ह्यूमन बीइंग के डिटेल्स को दे, आ, देने के लिए यूज़ किया जाता है जबकि यहाँ स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि पार्टिकुलर हम किस सेंस में बात कर रहे हैं मेल की या फीमेल की तो इतना सा इसमें कंसेप्ट है कि ज़्यादातर आप ह्यूमन बीइंग की डिस्कशन करेंगे जहाँ मेल फीमेल दोनों ही का होगा तो वहाँ सेक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है बेसिकली कुछ स्पेशल फॉर्म में फॉर्म uh, को छोड़कर बाकी सारे फिजिकल फॉर्म जो होते हैं फिजिकली जो टाइप करते हैं लोग जो रिकमेंट डालते हैं और सारी चीज़ों में सिर्फ हम हाँ, मेल और फीमेल को सेपरेशन के लिए अंडरस्टूड करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ सेक्स यू हैव व्हाट काइंड ऑफ सेक्स आप किस तरह का सेक्स रखते हैं उस चीज़ को डिनोट करने के लिए यहाँ स्पेशल मेल और फीमेल को कोट कर दिया जाता है जबकि ये वर्ड एक मिस्ट्री है लोग कहीं सेक्स uh, लिखा देखते हैं कि आपका सेक्स क्या है जैसे आप फेसबुक पर देखिए वहाँ आपको सेक्स करना पड़ता क्योंकि जो फेसबुक है वो अलग हिसाब के रूल रखता है उसको ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं होती वो सिर्फ अपने यूजुअल डाटा के कलेक्शन को कलेक्ट करता है तो इतना सी मिस्ट्री है इस वर्ड में ज़्यादा कुछ है नहीं आगे हम इंटरेस्ट वर्ड को और कोट करते रहेंगे इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे आप बने रहिए मेरे साथ और हम डिस्कस करते हैं सुबह के सेशन में बुक एप का एक वर्ड जिससे हम सीखते हैं हार्डली दस से पंद्रह वर्ड और थर्टी डे तक इसको कम्प्लीट करेंगे इससे आपका वेस स्ट्रॉग हो जाएगा तो आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करें अपने मित्रों के साथ शेयर करें थैंक्स फॉर वच